तो एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ और वो अनाउंसमेंट के बाद आप लोग का बहुत सारा प्यार और सपोर्ट लगेगा। क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको एकदम सच बताना है। गो। अभी मैं आप लोगों को एक स्पेशल चीज दिखाने वाला हूँ। आप लोगों को पता है, औरत हार कबूल करती ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए वो हार कबूल नहीं करेगी जब तक वो हार सोने का ना हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? अल्लाह हम सबको खुश रखे। अभी जस्ट ज़ोहर की नमाज पढ़ के मैं निकला हूँ। आज है संडे का दिन और हर संडे मस्जिद में नमाज के बाद गश्त होता है। गश्त मतलब अल्लाह की थोड़ी बातें होती है उसमें, कि कुरान की बातें की जाती है कि लोगों को ईजी टू अंडरस्टैंड रहे। तो आज बताया गया है कि आपको दुनिया में काफ़ी लोग मिलेंगे जो आपसे ज़्यादा खूबसूरत होंगे, पैसे वाले होंगे। वो देख के इंसान है हम तो सैड हो जाते हैं, जेलस फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। लेकिन उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को याद करना कि जब भी देखो अपने नीचे वाले को देखो तो आप शुक्र करोगे, ऊपर वाले को देखोगे तो ना शुक्रानी करोगे, जो कि अल्लाह को ना पसंद। अल्लाह ने आपको जो भी हाल में रखा है, तकलीफ में या जो ऐसा भी, अल्लाह की रजा उसमें आप राजी रहो तो इंशाल्लाह आप बहुत निखर के उसमें से निकलोगे। हम लोग की जो ये किचन की विंडो है, हम लोग यहाँ सोच रहे एक नेट वाली विंडो या कुछ जाली लगा दे वेंटिलेशन के लिए। खाना वगैरह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से, और आज जैसे छुट्टी लिया हूँ मैंने, संडे का दिन है, तो मैं सोचा आज दोपहर में आराम से सो जाऊंगा, फिर आपको शाम में उठ के मिलता हूँ। सो बुशरा अपा ने शाम में नाश्ते के लिए हम सब के लिए मंगाए हैं शॉर्मा, फ्राइज, पैनकेक, ये मिल्क शेक, माशाल्लाह और बिस्मिल्लाह करते हैं। सो एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ और वो अनाउंसमेंट के बाद आप लोग का बहुत सारा प्यार और सपोर्ट लगेगा। मम्मी अल्हम्दुलिल्लाह से एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हिजाब का, जो कि बहुत मुझे भी, जब मम्मी ने आके डिस्कस करी ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हिजाब है उससे औरतों के बाल छुपते हैं। क्योंकि आप लोग ने हदीस सुने होंगे कि एक टाइम वक्त रोक दिया गया था जब फातिमा रजी अल्लाह अनु के दो बाल दिख गए थे, उनके या आयशा रजी अल्लाह अनहा के, ये दोनों में से एक के कोई बाल दिख गए थे तो वक्त रोक दिया गया था। तो सोचो औरतों को बाल छुपाना कितना जरूरी है, और कैसे दुपट्टा है, हिजाब है, तो वो तो सब लेना ही चाहिए एक मेहनत के हिसाब से। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, मम्मी ने अभी जस्ट सब अपना स्टॉक वगैरह लेके आया, आईडी वाईडी अभी सब बना रहे हैं, सब प्रोसेस में चीजें, तो अभी ओपनिंग करने वाले हैं उसकी। जैसे कि ऑनलाइन है तो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे पहले वो चीज आएगी, तो मैं बोला सबसे पहले यूट्यूब पे जाके आप लोग को ये चीज मैं शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोग भी एक फैमिली, आप लोग से हर चीज शेयर करना बहुत जरूरी है। अभी इंस्टाग्राम के लिए एक रील बन रहा है मम्मी का, जो न्यू आईडी बना है, तो शयान जायशा से हम लोग ओपनिंग करा रहे हैं, कैसे रिबिन हटाओ और स्लाइड करते रहो, तो आप लोग ये देखते रहे बिस्मिल्लाह स्टार्टिंग सुन। तो ये इंस्टाग्राम पे आप लोग जरूर जाके देखना, रेशम बाय रेशु, तो ये बड़ी खूबसूरती के साथ इंट्रो बनाए हैं, वेलकम और ऐसा खूबसूरत सजाए है। सो गाइस प्लीज प्यार दिखाओ, सपोर्ट करो, जिन्होंने फॉलो नहीं किया अभी जाके फॉलो कर लो। तो गाइस बहुत सारा प्यार दो, सपोर्ट करो, जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब का कुछ लिंक आएगा तो मैं आप लोग से जरूर शेयर करूंगा। अभी बस आप लोग को एक इन्फॉर्म करना था ये चीज। अभी मैं उतरा हूँ नीचे, एक गाड़ी है ना बहुत परेशान करी, मैंने परचेज किया था उस पर ना एक फाइन था, सेंड टू कोर्ट लिखा हुआ। तो ये अगर आप जब भी गाड़ी लोगे तो फाइन तो देखेंगे पिछला के कुछ है कि नहीं, तो अगर सेंड टू कोर्ट वाली फाइन है ना तो मत लेना, बहुत भागम दौड़ी है। मैं 2-3 टाइम पुलिस स्टेशन जाके आ गया, लेकिन वो क्लियर करने के लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर, तो मेरे को अभी फिर जाने का, ये 3री टाइम मैं जा रहा हूँ। तो आप लोगों को बस एक गाइड कर रहा हूँ कि कभी भी ऐसा सेंड टू कोर्ट वाली फाइन लिखी हुई है ना तो मत लेना। आ गया मैं अभी पुलिस स्टेशन, जाते अंदर, आई होप सो इंशाल्लाह मेरा आज ये काम कम्प्लीट हो जाएगा। घर आ गया और घर पे मस्त कोरमा बनाए है मटन का, उसमें अंडा डाल दिए मेरे लिए क्योंकि मैं मटन नहीं खाता हूँ। डैडी ने उसको न्यू चश्मा दिलाया, बताओ जरा खोल के जल्दी। वाओ क्या मस्त लग रहा है शयान, आजकल शयान को चश्मों का बहुत भूत चढ़ा है ना। ये कितने का होएगा शयान? 1000 रुपीज का है, क्या बात है, मजेदार है। कब आया, लेंस काट गए? नाइस। बताओ हम जब ये उम्र के थे 10-12 साल के, तो 50 रुपए की चीजों में खुश हो जाते थे। 50 रुपए में चश्मा आ जाता था, घड़ी आ जाती थी, मम्मी से 5 रुपए मांग के वो क्या खाते थे बचपन में, आम चस्का, चटर मटर और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी वो ऐसे जनरल स्टोर रहती थी वहां से लेते थे। आप लोगों को क्या क्या याद है, कोई चीज ऐसी है पर्टिकुलर तो कॉमेंट करना। जा रहा था यारी रोड, इन्फिनिटी मॉल आया, दिवाली के लिए क्या सजा है मैं सोचा दिखा देता हूँ, नमाज पढ़ लेते हैं। अभी मैं आया था बियर्ड बनाने के लिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मैंने इनको बोला थोड़ा लुक चेंज करो, तो इन्होंने मेरे को 10 साल पीछे लेके चले गए। दाढ़ी कितनी छोटी कर दी है मेरी, बाल छोटे कर दिए, लेकिन अच्छा लग रहा है, फॉरेन चेंज ऐसा कभी कभी करना चाहिए। सबसे पूछो कैसा लग रहा है। हाँ लोग कॉमेंट करके बताएंगे, कॉमेंट करके बताओ। मैं इनका फैन हूँ लेकिन इनके बालों का चाचा। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह ये उम्र में भी एकदम शाहरुख खान जैसे बाल है। चलो यहाँ से लोगों को अभी बराबर क्लियर दिखेगा।
थोड़ी बियर्ड कम हो गई है, अच्छा लग रहा है फॉर अ चेंज, अच्छी लग रही ना। चलो अल्लाह हाफिज, आप लोगों का शुक्रिया। आज घर जा रही है अपने, दिवाली वेकेशन मनाने आए थे वो लोग यहाँ पे, कैसे जाते ना नाली लोग के घर, तो इमरान भाई अभी बुशरा को लेने आए, तो मिलते हैं इमरान भाई से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? बहुत दुख हो रहा है, लेके आ रहा हूँ अभी वापस। मैं इसी रिलेटेड आपको एकदम क्वेश्चन पूछना था और आपको एकदम सच बताना है। बुशरा यहाँ तीन चार दिन से भी बच्चे थे, स्कूल में थे, झूठ बोल रहे हैं ना। अरे भाई करता है ना मीठा, ऐसे आपको दिखाना पड़ता कि मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। और हम लोग को और प्यार बहुत है, और हम लोग को फोन पर बोल रहे हैं कि अरे मेरे को ना रात में एकदम अजीब लग रहा है, मैं किसी को चिल्ला नहीं पा रहा हूँ सोने से पहले के, सो जाओ। नींद आई होगी इनको, तीन चार दिन आराम से सो रहे रहेंगे। तो अभी बुशरा और इमरान भाई टाउन गए थे, लोग किड्स वंडर करके जैसे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे पेज है, तो एक वेबसाइट भी न्यू बनाया है। इमरान भाई आप लोग को थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, बच्चे लोग भी क्या चेंज हुआ। तो न्यू वेबसाइट हम लोगों ने लॉन्च किया है www.kidswonderhub.com। तो ये पेजेस है, आप जाके बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग ने इसमें डाले हैं और आप देख के चॉइस कर सकते हो और उसको बुक भी कर सकते हो। और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छे हैं, बहुत यूनिक है। मतलब हमारे टाइम पे तो इतने ऑप्शन नहीं थे, लेकिन आज के टाइम पे बच्चों लोगों के लिए क्या एंटीक एंटीक चीजें आई है, तो आप लोग जरूर जाना चेकआउट करना। और इमरान भाई लेके जाओ इसको अभी। मस्ती कर रहे, नहीं ये सब कैसा है, एक हस्बैंड वाइफ के जोक्स रहते हैं उस हिसाब से सब चल रहा है। एक स्पेशल चीज दिखाना चाहता हूँ आप लोग को, ये मेरा शर्ट है। जब मैं टेंथ में था और लास्ट डे था सेंट जेवियर स्कूल में, तो हम लोग दोस्त लोग ने शर्ट पे एक दूसरे का नाम लिखे थे। एक लास्ट डे रहता है, सब यहाँ वहाँ अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो देखो ये पीछे भी नाम लिखे, पायरेट्स लिखा। ये हम लोग के ग्रुप का नाम था स्कूल के टाइम पे, तो ये मेरे को मिला, मेरे को इतनी खुशी हुई ये शर्ट देख के। घर पे आराम से मैं खाना ना खा के लेट गया था कि अभी चेंज कर लो, तो मैं कॉल आया कस्टमर का कि गाड़ी देखने आ रहा हूँ। बताओ घर जाने के बाद भी आराम नहीं, तो अभी बज रहे हैं 10:30, खाना हो गया, लेकिन मैं बोला चलो जाके दिखा देते हैं। अगर अल्लाह कुछ गैप से रोजी दे रहा है तो मेहनत करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। गुड मॉर्निंग, अभी जिस मैं उठा हूँ सब सो रहे हैं। मैं जल्दी इसलिए उठता हूँ क्योंकि जिम वर्कआउट करने जाना रहता है, और दिवाली में जिम बंद था 2-3 दिन, तो बहुत गैप हो गया। मेरे को एकदम ऐसा लग रहा है आज खुला है तो जाके एकदम बहुत सारा कर लो। वर्कआउट हो गया, नाश्ता कर लेते हैं, इसमें 2 ब्रेड शयान के, बाकी मेरा है। अभी अभी मुझे पता चला बिल्डिंग में एक न्यू चीज़ इंस्टॉल हो रही है, तो मैं जिम करके फ्रेश होकर अभी जस्ट नीचे उतरा हूँ। मैं एक्साइटेड था देखने के लिए, वो आजकल हर बिल्डिंग में हो रहा है, अभी हमारी बिल्डिंग में भी वो होने वाला है, तो बहुत काम की चीज़ है। हमारी बिल्डिंग में अभी चार्जिंग पॉइंट लगा रहे, जो आजकल न्यू 4-व्हीलर 2-व्हीलर आई है बैटरी वाली, तो कैसे हर बिल्डिंग में रहता है, तो बोले चलो यहाँ भी इंस्टॉल करते, फ्यूचर में काम आएगा। काम वगैरह मैंने सब कंप्लीट करके फ्री हो गया, अभी मम्मी को कॉल किया, मम्मी ने बोले उनको कुछ हिजाब का जो मैंने बताया उन्होंने स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। इंस्टाग्राम का आईडी बन गया है रेशम बाय रेशु इंस्टाग्राम पे, आप लोग जाके जरूर देखना। नहीं मिल रहा है तो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में एक टाइम डाल दूंगा, तो उसके रिलेटेड उनको कुछ सामान वगैरह लेना या जोगेश्वरी से, बोला कहाँ ऑटो में जाओगे, मिलती नहीं मिलती ट्रैफिक, बाइक पे कैसा है फटाफट काम हो जाता है। तो मम्मी बोले मेरे को 10 मिनट दे, मैं नीचे आ रही हूँ। हाँ एक चीज़ और आप लोग से पूछना भूल गया, ये जो मैंने बियर्ड थोड़ी कम करा दिया हूँ, मतलब अच्छी खासी कम करा दिया, ये अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, और कैसे स्टार्ट में अभी शायद मे भी वो चेहरे पर सूट नहीं कर रहेगी, आहिस्ता आहिस्ते हो जाएगी। मैं सोचा था और थोड़ा कम करूँ, तो वो पहले वाली अपनी नॉर्मली रखूँ कि इतनी सही है कि और थोड़ी कम करूँ, बताओ ज़रा कमेंट करना। जैसे कि अभी इलेक्शन है 20-22 तारीख को मुंबई में, तो हर जगह रैली निकल रही है। मैंने अभी नीचे खेल के आया तो उसको भूख लगने लगी, तो हम लोग बोले कुछ टेक अवे में उसके लिए ले लेते हैं। क्या खाएगा शयान? बर्गर। ओके हाँ बोलो। बिस्मिल्लाह बोल के खाओ शयान। मम्मी और मैं आए क्लिफ्टन होटल में, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, मम्मी अंदर गए, कजिन बहन लोग आ रहे हैं दिसंबर में शायद, तो बोले जरा रेट्स की इंक्वायरी कर लो। अभी हम लोग आए हैं, ये कार्ड प्रिंट कर रहे थे, तो इस पे जो नंबर काम के रिलेटेड जो कांटेक्ट करेंगे, तो ये नंबर में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो इसको वाइटनर लेके ये 5 को 6 करना है। काफ़ी टाइम बाद मैं नेक्सस आ रहा हूँ अभी यहाँ से, मम्मी बोले थोड़ा बहुत घर का सामान लेना है, तो मैं बोला चलो ठीक है मैं भी चलता हूँ साथ में। शयान तो यहाँ पे खेल रहा है नीचे, बच्चे लोग क्या दिवाली की छुट्टियाँ एकदम जोरों शोरों में पकड़ा पकड़ी चालू है। ये खिड़की जो मैंने आप लोगों को दिखाया था माशाल्लाह से मम्मी ने लगा दी है, ये ग्लू है और ये सब सामान है, मस्त हो गया अभी, कैसा है हवा आर पार हो सकती, खुली रख सकते विंडो। आप लोगों को पता है एवरी फ्राइडे हर जुम्मा को जन्नत में
लोग सब गेट टुगेदर करते हैं, मतलब एक जगह गैदर होते हैं, एक स्पेशल प्लेस रहती है जन्नत में, वहाँ पे गैदर होते हैं और एवरी फ्राइडे अल्लाह ताला को देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दो दिन में एक बार देखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नज़र आसमान पर उठाते हैं और अल्लाह को देखते हैं। तो ये कैटेगरी है, उन बोलते हैं ना कि जन्नत के हाईएस्ट लेवल में अल्लाह हमें जगह अता फरमाना, तो ऐसी कैटेगरी है। तो जो फर्स्ट रो में बैठते हैं ना, वो लोग हैं जो जुमा के दिन नमाज में सबसे जल्दी जाके इमाम के जितना नज़दीक बैठेंगे उतना सवाब है। तो ये फ्राइडे का जन्नत का एक वो है, रूल है, मतलब कि सब गैदर होंगे एक स्पेशल जगह पे और अल्लाह को इंशाल्लाह दीदार करेंगे। तो आप लोग सोचो क्या मंजर होगा यार, जन्नत में सब जान पहचान वाले गैदर हो रहे हो जन्नत में, उसके बाद अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। जन्नत का कचरा है ये दुनिया, जो हम देखते हैं ना स्विट्ज़रलैंड USA, इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह, तो जन्नत का कचरा है, जन्नत इतनी खूबसूरत होने वाली है। तो सोचो वहाँ सब मिलेंगे और अल्लाह का दीदार हुआ तो क्या वक्त होगा। तो इसलिए ये टेम्प्रेरी दुनिया में मत खो जाओ, आखिरत के लिए भी प्रिपेरेशन थोड़े करो, क्योंकि वो जो दुनिया है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे डैडी, और सबको दुआओं में याद रखें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए शेरजान शेख। अल्लाह हाफिज़।